हाँ भाजी, हरभजन सिंह वॉकओवर लेना? नहीं लेना? अच्छा। टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार भारत के खिलाफ जीत नसीब होने पर पाकिस्तान सातवें आसमान पर है। कल पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया की इस हार के बाद शोएब अख्तर ने किस तरह से जले पर नमक छिड़का है आपको देखना चाहिए। शोएब अख्तर ने भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को निशाना बनाया है। दरअसल मैच से पहले एक शो में हरभजन सिंह ने कहा था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम कभी भी भारत के सामने नहीं टिकती और इसीलिए पाकिस्तान की टीम को भारत को वॉकओवर देना चाहिए। हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर से कहा था कि आप हमारे खिलाफ खेलोगे और फिर हारोगे, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम की जीत का कोई चांस नहीं है। हमारी टीम बहुत तगड़ी है, उड़ा देगी तुमको। लेकिन जैसे ही कल पाकिस्तान ने भारत को हराया तो शोएब अख्तर ने ट्वीट कर हरभजन सिंह से पूछा कि भज्जी अभी भी वॉकओवर चाहिए? हाँ भज्जी, हरभजन सिंह वॉकओवर लेना? नहीं लेना? अच्छा, चलो क्या कर सकते हैं, रिलैक्स यार, एंजॉय द डे एंड बर्दाश्त करो। ऐसे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी जीत के बाद सातवें आसमान पर तो है ही, वहीं शोएब अख्तर ने भारत की हार के बाद जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।